नमस्कार, फीफा वर्ल्ड कप 2022 पहली बार क्वार्टर फाइनल में मोरक्को। पेनाल्टी शूटआउट में गोलकीपर यासिन बोनो ने किया कमाल। स्पेन को नॉकआउट में हराकर मोरक्को पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। पेनाल्टी शूटआउट में मोरक्को ने 4 प्रयासों में से 3 में सफलता हासिल कर ली, जबकि स्पेन शुरू के 3 मौके गवा कर टूर्नामेंट से बाहर हो गया। स्पेन के एक कोच लुइस एनरिक ने मोरक्को के विरुद्ध मैच से पूर्व कहा था कि पेनाल्टी शूटआउट को वो लॉटरी की तरह नहीं लेते, इसलिए स्पेन के खिलाड़ियों ने 1000 पेनाल्टी किक का फस्त किया था। पर सामने स्पेन के लोग ला लीगा के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपरों में से एक यासिन बीनो थे। उन्होंने स्पेन की एक भी किक को गोलकीपर के पार नहीं करने दिया और स्पेन का सफर अंतिम 16 में ही समाप्त कर दिया। स्पेन को झटका सिर्फ यासिन बोनो ने नहीं दिया, बल्कि मैड्रिड में जन्मे अशरफ हकीमी, जिन्होंने मोरक्को के तरफ से अंतिम स्टाफ किक लिया, उन्होंने भी गोल दाग उनके सपने को तोड़ दिया। पेनाल्टी शूटआउट में मोरक्को ने स्पेन को 3-0 से हराया। स्पेन की युवा टीम भले एक बार फिर टिकिटा का शैली को दर्शाते हुए 1000 से अधिक पास कर गेंद अपने पास रखने में सक्षम रही, पर वो गोल नहीं कर सकी। पहले साफ में ही टीम को कई मौके मिले, पर वो किसी को गोल में तब्दील नहीं कर पाई। जापान से उलटफेर का शिकार हुए स्पेन की टीम के लिए यह दूसरा झटका था। टीम इस विश्व कप में सिर्फ कोस्टा रिका से जीत पाई। जर्मनी ने उन्होंने ग्रुप चरण मुकाबले में ड्रॉ खेला था। स्पेन की युवा ब्रिगेड का नेतृत्व सर्जियो ब्रुस्केटस कर रहे थे। ऐसे में मोरक्को के डिफेंडरों ने उन पर दबाव बनाए रखा और उन्हें गेंद आगे ट्राइकोरों पर पहुंचने का ज्यादा मौका नहीं दिया। रोमन साइस, अगुआर्ड और हाकिमी मोरक्को के लिए इस मैच में भी किले की तरह रहे। उन्हें वेदना इस विश्व कप में नाकू चने जमाने की तरह है। पेनाल्टी शूटआउट में भी स्पेन पर साफ तौर पर दबाव दिखा। पहले सर्बिया ने जहां पोल पर सोरल और बुस्केट्स के प्रयासों को आसानी से बुनो ने विफल कर दिया। 2010 में जब स्पेन की टीम विश्व विजेता रही थी, तब उन्होंने टिकिटा का शैली का प्रदर्शन किया। आंद्रे इनिएस्ता की अगुवाई में टीम एकमात्र बार चैंपियन रही। पेनल्टी शूटआउट में चमका मोरक्को। पेनल्टी शूटआउट में मोरक्को ने मौका नहीं गवाया। पहले प्रयास से ही वो पूरे आत्मविश्वास से भरे थे। अब्दुल हमीद शवरी ने जब प्रयास किया तो स्पेन के गोलकीपर सिमन के पास कोई मौका नहीं था। सिर्फ बेनाउन के गोल को सफलतापूर्वक सिमन रुकने में सक्षम हुए।